हेलो वंडरफुल मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपना रिस्पांस बताइएगा, और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। अगर आप लाइक एंड कमेंट करेंगे तो यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यू मॉम्स इस जानकारी को ले पाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डिलीवरी सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल, एक नई माँ कई तरह के चैलेंजेस फेस करती है और हर माँ का एक्सपीरियंस अपने आप में अलग होता है। पर कुछ ऐसी बातें हैं जो हर न्यू मॉम को फेस करनी होती हैं, और जिसकी पहले से जानकारी हो तो उन्हें काफ़ी हद तक और काफ़ी अच्छे से टैकल किया जा सकता है। जिनमें से पहली बात है, एक न्यू मॉम के लिए ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस होता है। इसके लिए कोई भी माँ मेंटली प्रिपेयर नहीं होती है और ना ही वो हो सकती है, क्योंकि उसने पहले इस बात को सिर्फ सुना और देखा है, उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है। हालांकि उन्हें ये जानकारी होती है कि उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, पर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है, और अगर सही लैचिंग टेक्निक नहीं पता हो तो ये और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो इसमें निप्पल पर स्वेलिंग आना, कट लगना और कई केसेस में ब्लीडिंग होने की वजह से न्यू मॉम को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मेरी सलाह ये है कि आप डिलीवरी से पहले ही कुछ बेसिक लैचिंग टेक्निक्स जान लें, ताकि अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो आप घबराएं नहीं और आपके पास इसका सॉल्यूशन मौजूद हो। इस तरह से कुछ बेसिक लैचिंग टेक्निक सीख लेने से इस प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर सकती हैं। दोस्तों, इसी से जुड़ी एक और बात ये है कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग बच्चे को हर 2 घंटे में फीड कराना होता है, जिसमें माँ को हर 2 घंटे में बैठकर बच्चे को दूध पिलाना होता है। ये फीडिंग सेशन 15 मिनट से 45 मिनट्स तक हो सकता है, और इसके लिए मेंटली रेडी रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा काफ़ी घंटे तक सोया रहता है और माँ उठाकर उसे फीड नहीं करा पाती, जिस वजह से ब्रेस्ट मिल्क की वजह से हैवी हो जाते हैं, ब्रेस्ट की नसें फूल जाती हैं, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप ब्रेस्ट पंप डिलीवरी से पहले ही ले सकती हैं, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आने पर आप ब्रेस्ट मिल्क पंप आउट कर सकें और इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें। दोस्तों, थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग पिल्लो ज़रूर खरीद लें, जिससे आपको बेबी को फीड कराने में आसानी होगी और आप काफ़ी हद तक बैक पेन, जो कि हर न्यू मॉम के लिए एक आम समस्या होती है, उसे अवॉइड कर पाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक फीडिंग सेशन 15 से 45 मिनट तक हो सकता है, और इनिशियली आपको हर 2 घंटे में बेबी को फीड कराना होता है, जिससे बैक में पेन की समस्या होने लगती है। तो ऐसे में बेहतर यही है कि आप फीडिंग पिल्लो का इस्तेमाल करें और इस प्रॉब्लम को अवॉइड करें। इसके साथ ही बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट इज़ कि एक न्यू मॉम को ये नहीं पता होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है वो कितने टाइम तक होगी, फ्लो कितना होगा और आप उसे कैसे मैनेज करेंगी, क्योंकि ये पीरियड्स 10 दिन से लेकर 40 दिन तक वेरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं है, बट आपको मेंटली रेडी रहना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, अगर डिलीवरी नॉर्मल है तो वेजाइना में स्टिचेस का भी खास ख्याल रखना होता है। इन्हें पूरी तरह से हील होने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, और लापरवाही बरतने से इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो पूरी एहतियात बरतें और हाइजीन मेंटेन रखें, ताकि आपको किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। और लास्टली, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक न्यू मॉम को अपना भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि बेबी का, क्योंकि शारीरिक और मानसिक बदलाव की वजह से माँ का मन और शरीर बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, और उसे भी उसी तरह से केयर की ज़रूरत होती है जैसे कि एक छोटे बच्चे को ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 बातें जो कि एक माँ को डिलीवरी से पहले पता होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को और अपने बच्चे को अच्छे से समझ पाए और संभाल पाए।
आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी और आप अपना ध्यान अच्छे से रख पाएंगी। टॉपिक से रिलेटेड कोई और जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कर सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मदरहुड और प्रेगनेंसी पर और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलूंगी आपको एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय बाय।